कैबिन में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कंप्यूटर। वो क्या क्या देख रही थी? जवाब दो। मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करना था, लेकिन सजनी का कंप्यूटर हैंग हो गया था, इसलिए तुमने मेरा कंप्यूटर खो दिया। तुमने मेरी फाइल्स खोली थी? कंप्यूटर में मेरी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं। अगर तुमने उसे खोली है तो मुझे सच सच बता दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा? तुमने मेरी फाइल्स खोली थी? नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपकी कोई फाइल नहीं खोली। ठीक है, आगे से तुम अगर मेरे कैबिन के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जस्ट लीव। Just leave. Yes. और तुम सब क्या देख रहे हो? आज के बाद अगर किसी ने भी राधा की तरह बेवकूफी की तो उसे मैं हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। मेरे पूछे बगैर मेरी कैबिन में कोई नहीं आएगा। Is that clear? मेघना, चलो तुम्हें मेरे पीए से मिलवाती हूँ। वो रहे। जाऊं अपने आप को। तो यही एक रास्ता है। सच बता, ये तुम्हारा पीए है या जोकर? फ्री में सबकी एंटरटेनमेंट हो रही है। आप फ्रेश होके आ जाइए। राधा को कहो अगर उसे मेरा कंप्यूटर यूज करना है तो उसे परमिशन ले। राधा दिल पे मत लो, तुमने कोई गलती नहीं की है। मिस्टर छाबरा का मूड तो पहले से ही खराब था, उन्होंने अपना सारा गुस्सा बस तुम पे उतारा। नहीं गौरी, मुझे बिना पूछे उनके केबिन में नहीं जाना चाहिए था और ना ही उनका कंप्यूटर यूज करना चाहिए था। सबके सामने उन्होंने मुझे डांट दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, अब जो हुआ सो हो गया,
अब ये उदासी छोड़ो और मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। लो, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी मैडम मुस्कुरा रही है। राधा, ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश मत कर, वरना ऐसे गिरोगी कि जिंदगी भर उठ नहीं पाओगी। सजनी तुम लो, डांट हेड नर्स को पड़ी और गुस्सा गुस्सा असिस्टेंट को आ रहा है। सजनी, तुम्हें तो बस लोगों को दुख पहुंचाना ही आता है ना। गौरी प्लीज, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। राधा, थोड़ी सी तारीफ क्या कर ली मेट्रन ने और मिस्टर छाबरा ने, तुम तो आसमान में उड़ने लग गई, प्रोजेक्ट्स बनाने लग गई। तुमने मुझे क्या असिस्टेंट समझा है? राधा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें हेड नर्स की पोस्ट मिल गई। इसे संभाल कर रखना, ज्यादा उछल कूद मचाओगी तो इससे भी हाथ धो बैठोगी। सो मच कि आज आप मेरी खुशी में शामिल हुए। आइए केक काटते हैं, कम आइए। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको उस इंसान से मिलवाना चाहूंगी। आप सब इन अरेंजमेंट्स को फेस कर रहे थे ना, जिसकी वजह से ये पार्टी आज पॉसिबल हुई। ये सब उसी ने किया है। तो मैं चाहूंगी जहां कहीं भी है प्लीज यहां आ जाए। वो है कहां? वो तो वहां है। शर्मा क्यों रहे हैं? आइए ना, यहाँ आइए। लगता है आज ये शर्माना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम भी इन्हें नहीं छोड़ेंगे। So everybody, please put your hands together for Mr. Avinash Joshi. Avinash Joshi. मुझे नहीं छोड़ेगी। सर जी जाइए, आप सब लोग आपको नीचे बुला रहे हैं। जाइए आप। अब शर्माना बंद करिए और आइए। सर आप घबरा क्यों रहे हैं इतना? आप जाइए, नीचे जाइए। We'll be right back.
हम सब केक काटते हैं। अविनाश कम मेघना आओ केक काटते हैं। बहुत अच्छी साड़ी देखी है, तनख्वाह के दिन ले आऊंगी। अब तो मेरे लिए साड़ियाँ देखना बंद कर दे। अरे बहुत कपड़े हैं मेरे पास, संदूक भरा पड़ा है। अच्छा राधा, मैंने सोचा है कि सोमवार वाले दिन घर में पूजा रखवा लूं, तो होगी ना? हाँ रखवा लीजिए, मैं शिफ्ट एडजस्ट कर लूंगी। वैसे ये पूजा किस लिए है? अब गणपति बप्पा की दया से घर में इतनी खुशियाँ आई है, तेरी तरक्की हो गई, तू हेड नर्स बन गई और अविनाश की नौकरी भी अच्छी खासी चल रही है, तो सोचा इसी बहाने भगवान का शुक्रिया अदा कर देंगे और उनका आशीर्वाद भी ले लेंगे। और हाँ, तू जिंदगी भर सबके लिए इतना कुछ करती आई है, अब मैंने और जया ने सोचा है कि तेरे लिए भी ये ले। अब तू कैसे इस मुसीबत से बचेगा? अब तो तू दो पार्टों के बीच में फंस गया है। एक तरफ मेघना है, जिससे तूने छुपाया कि तू उसकी दोस्त क्या है, एक मामूली सी पीए की नौकरी कर रहा है। दूसरी तरफ मंदिरा है, जिससे तूने झूठ बोला कि तू कुंवारा है। आज तो शादी और तलाक सब कुछ साथ साथ ही हो जाएगा। आज अगर अविनाश ने मुंह खोला तो मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद, कारों में घूमना बंद, फाइव स्टार में खाना बंद, सब कुछ खत्म। हे भगवान कुछ करो। हे भगवान, अब तो बस आप ही मेरा बेड़ा पार लगा सकते हैं। अगर मंदिरा को पता चल गया कि मेरा पति दुबई हांगकांग में नहीं बल्कि इसी पार्टी में है और वो भी उसका पीए, तो सब कुछ फिनिश हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं? अरे आज चने भी तो नहीं है कि उन्हें खा के कोई आइडिया है। मेघना प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम मंदिरा के पिए हो तो मैं इस पार्टी में कभी नहीं आती। अच्छा, और अगर तुम मुझे बता देती ना कि मंदिरा तुम्हारी दोस्त है तो मैं भी इस पार्टी में नहीं आता। अरे इस पार्टी में आना तो दूर, मैं उसकी नौकरी नहीं करता। मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरे पति हो, मेरी दोस्त के पीए। अच्छा, मैं तो उसका पीए हूँ, लेकिन तुम क्या हो? इसकी हाँ में हाँ मिलाने वाली, इसकी टाइम पास। टाइम पास?
उमर, नहीं तो मैं क्या? हाँ, बोलो बोलो, नहीं तो मैं क्या? तुम घर चलो फिर बताती हूँ। देखो मुझे घर वर की धमकी मत दो। हाँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे सुनो, अब क्या है? देखो अगर घर जा रही हो ना तो दोनों साथ में चलते हैं, ऑटो के पैसे बचेंगे। देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ अकेली अलग ऑटो में, और तुम मेरे पीछे पीछे मत आना, अगर मंदिर ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मेघना, यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? कम या मेरी फ्रेंड्स तुम्हें मिस कर रही हैं। आओ। इतनी महंगी साड़ी? तू ये बता, तुझे पसंद है कि नहीं? बहुत खूबसूरत है। तो पूजा वाले दिन तो यही साड़ी पहनो। ताई, ओ आज तो मैच है, तो स्कोर देखता हूँ। यश, नहीं, अपना ये बोरिंग क्रिकेट अपने दोस्तों क्या देखा करो। देखो ना, मुझे पढ़ाई करनी है यश, टीवी नहीं ऑन होगा। नमस्कार, आज की ताजा खबर। मिस्टर अधिराज शेरगिल इस देश के जाने माने औद्योगिक घराने शेरगिल परिवार के हैं। स्टाइल आइकन एंड द मोस्ट एलिजिबल बैचलर है मिस्टर अधिराज शेरगिल। इन दिनों मिस्टर शेरगिल इस शहर में काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर हमारी रिपोर्टर अदिति शर्मा की एक स्पेशल रिपोर्ट। थैंक यू। अधिराज शेरगिल इस देश के जाने माने औद्योगिक घराने शेरगिल परिवार से हैं, जो पेश्ती पार्टियों में काफी लोकप्रिय हैं। स्टाइल आइकॉन एंड द मोस्ट एलिजिबल बैचलर है वो। परिवार से अलग होकर अब वो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं। इतने छोटे से शहर में उनकी मौजूदगी ने लोगों के दिलों में उत्सुकता बढ़ा दी है। अधिराज शेरगिल, ये नाम मैंने कहीं सुना।